प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। परमात्मा ये चाहते थे, अब जैसे कबीर पंथी है, अब ये क्या कहते हैं कि भाई कबीर जी कंठी दिया करते, एक माला गले में होनी चाहिए, और जिसके माला नहीं है भैया वो कौन सा, वो कबीर पंथी है ही नहीं। अरे कमाल के आदमी, एक माला तक कबीर पंथी बन गए तुम। कबीर पंथी बनोगे परमात्मा के प्रत्येक मर्यादा का पालन करने से और वही मंत्र जाप करने से। अब इसी प्रकार परमात्मा को पता था कि जो लीला मैं करके जाऊंगा, मेरे प्यारी आत्मा मुझे चाहने वाली मेरे वाले पंथ में नकली संतों का फंसेंगी, और वो फिर डिस्कस करा करेंगे। जैसे कबीर जी को कोई आवश्यकता नहीं थी गुरु बनाने की, वो तो पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार, लेकिन उन्होंने लीला इसलिए करनी पड़ी कि आने वाले मेरी चाहने वाले मेरे पंथी बनेंगे, चाहे वो नकली हैं, वो चाहे दिशा गलत भी जा रहे हैं, फिर समय आने पर मैं उनको अपने बच्चों को मोड़ तो लूँगा, समझा लूँगा कि ये रास्ता गलत है, इधर आ जाओ। तो इसलिए यदि कबीर जी गुरु धारण नहीं करते या लीला नहीं करते तो आज ये कबीरपंथी नो कहते कबीर जी ने कौन सा गुरु धारण किया था, हम क्या जरूरत है गुरु की, यानी कति बट्ठा बैठा देते, परमात्मा से विमुख कर देते। अब देखो एक इस गीता जी का अनुवादक है एक, वो श्री संत राम सुखदास जी, उन्होंने थ्योरी बना दी, वो श्री कृष्ण जी के उपासक थे, कि अभी बीच में गुरु की कोई ज़रूरत नहीं, सीधा श्री कृष्ण से बात करो। कर दिया, काट दिए बाईपास सारे, अरे तेरा गजब भैया। वो राम सुखदास जी का हरिद्वार में एक आश्रम है, वो मृत्यु से एक वर्ष पहले हमारे एक भक्त का कोई रिश्तेदार उसका शिष्य था। हमारे भक्त ने गहरी नज़र गीता में जो दास ने अनुवाद किया है वो दिखाई और समझाई, तो वो कहने लगा, हमारे भक्त का जो रिलेटिव था, हमारे भक्त का जो रिश्तेदार था, वो कहने लगा कि भी मैं अपने गुरुजी से इसके अनुवाद के बारे में पूछूंगा अगर ये सही है या नहीं। कि किससे पूछेगा, कि श्री राम सुखदास जी से। वो हरिद्वार पहुंचा, उस पुस्तक दास के द्वारा अनुवादित पुस्तक को ले गए, तो वो खुद ही आकर उसने हमारे भक्त को बताया, उसके रिश्तेदार ने, कि मैंने गुरुजी से दिखा कि महाराज जी देखियो ये अनुवाद किया है किसी संत ने। वो बता रहा था उसने 2 घंटे पढ़ी वो पुस्तक, तो कहने लगा भाई बात सुन ले, अनुवाद तो कति और करेक्ट कर रखा है, इस अनुवाद मैंने देखा ना सुना कित है, और सही कर रखा भाई, और इस संत के पास खास वस्तु है, मैं तो लिया बुढ़ा, मेरी तो उम्र रह रही ना, तू जाना चाहो तो जाकर कल्याण करवा लिए। उसने आकर के तुरंत हमारे भक्त को बताया, लेकिन
कि ऐसे ऐसे बोले। हमारा भक्त बोला फिर आ जाओ नाम ले लो। बोला ना बस नहीं ठीक सा, हम तो सीधे कनेक्शन रखेंगे श्री कृष्ण से। अरे तेरा गजब हो, ये तो वो बात है ना, एक हमारे भक्त ने कथा सुनाई। बोला जी कुछ तो ऐसे ढीठ इंसान होते हैं जो आँखें देख लें तो भी ना मान में। जैसे कोई बस जा रही है और वह रास्ते में खराब होगी, वह रुकगी तो कंडक्टर ड्राइवर नीचे उतर के देखा देखी कराया करें, साथ में दूसरी बस वैसे भी रुक जा तो बुद्धिमान व्यक्ति वैसे ही उतर के उसमें चढ़ जाते हैं कि अब खराब होगी कि पता नहीं कब चलेगी। और कुछ एक फिर दूसरी बस आ जाती है और कंडक्टर ड्राइवर कहते हैं भाई बस खराब होगी दूसरे में बैठ जाओ, तो बहुत से तो उतर कर दूसरी बस में चढ़ जाते हैं और कुछ ढीठ फिर भी बैठे रहते, कहते चाल पड़े या ही चले। और कुछ ऐसे होते हैं जब ड्राइवर कंडक्टर भी उतर कर दूसरी बस में चढ़ लेंगे, वह खाखी खड़ी रहेगी खाली, तब उतरा कर पाछे तो या तो सचमुच ड्राइवर भी गए इसके तहत। तो ऐसे व्यक्ति वो था, उनके ड्राइवर ने भी कंडक्टर ने भी कह दी भाई गाड़ी मारी खराब और वह गाड़ी चल रहा है उसमें बैठ ले जाके, फिर भी ना आगे बैठा ढीठ। तो ऐसे परमात्मा कहते हैं चातुर प्राणी चोर हैं ये, मूड मुग्ध हैं ठोठ और संता के नहीं काम के, इनको दो गलजोट। जो इतना प्रत्यक्ष प्रमाण देकर भी नहीं मान दे वह, तो वो चातुर प्राणी है जो गुमराह कर गए इन बोली समाज को। और मूड वो है जो इतना तत्व ज्ञान प्रत्यक्ष देख के ना मानते, तो परमात्मा कहते हैं वो हमारा काम के कौन है, वो वहीं मरण दे उन्हीं के पास पड़े रहे, वो दोनों नरक जाने योग्य हैं। तो कबीर परमेश्वर जी ने ये आवश्यक जाना था, आवश्यक समझा था कि गुरु बनाऊं नहीं तो मेरे बच्चों को ये गुमराह कर देंगे काल के दूत। इसलिए परमेश्वर ने एक 2.5 वर्ष के बालक का रूप धारण किया कबीर जी ने, 5 वर्ष की आयु के हो लिए तब, कि उन्होंने फिर वो छेड़ा छेड़ना था उनको, उनके डंडी लाला देखना था कागजी शेर है कि ये सचमुच शेर है। और पंचगंगा घाट बनारस में काशी में गंगा के ऊपर बना हुआ पंचगंगा घाट, ये दास देख रहा था सैकड़ों भक्तों के साथ उसको, वहां पैड़ी बनी हुई थी, घाट बना हुआ था। महर्षि रामानंद जी सवेरे उठ के वक़्त से, गर्मियों के दिन थे गर्मियों का मौसम था, तो वक़्त से उठ के यानी 1.5 घंटा पहले सूर्य उदय होने से पहले ब्रह्म मुहूर्त होता है, उस ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने जाया करते थे। परमात्मा 2.5 वर्ष का बालक का रूप बनाकर शिशु रूप धारण करके और पैड़ियाँ में लेट गए। रामानंद जी वृद्ध हो रहे थे उस समय, कबीर जी 5 वर्ष के आयु दिखा रहे थे लीला में और रामानंद जी 104 वर्ष के थे वृद्ध। धीरे धीरे नीचे उतर रहे थे, कबीर जी लेटे हुए थे परमात्मा के सिर में, रामानंद जी की खड़ाऊं लगी। अब बच्चा रूप की तरह रोने लगे परमात्मा ट्या ट्या। रामानंद जी संत कोई भी है दयालु होते हैं, एकदम झुके, ओहो कोई बालक का लगी ठोकर, नीचे झुके और कबीर जी बैठे हो गए। तो उनकी जब जो झुके जो गले में कंठी थी माला थी तुलसी की, वह कबीर जी के गले में डल गई अंधेरे में, रामानंद जी को पता नहीं चला ऐसे झुके एकदम जो। और कहा सिर पे हाथ रखा कबीर जी के रामानंद जी ने कि बेटा राम राम बोल, राम राम बोल, रो मत, तो किसका बेटा है, यही बैठा रहा, मैं स्नान कर लेता हूँ, तुझे आश्रम में ले चलूँगा, फिर तेरे घर भिजवा दूंगा बेटा, घबरा मत। अब कबीर जी चुप हो गए, उन्हें तो इतना ही काम चाहिए था कि वो सिर पर हाथ धर दे और यह माला गाल दे मेरे गले में, फिर मैं नाप देख लूँगा। तो फिर ऐसा किया, रामानंद जी नहाने लग गए, कबीर जी अंतर ध्यान हुए, अपने मुँह बोले मात पिता कि झोंपड़ी माँ के सो गए। अगले दिन 2-4 दिन के बाद उन्होंने क्या किया कि महर्षि रामानंद जी ने अपने 1400 ऋषि प्रचारक बना रखे थे और वो उनका क्षेत्र बांट रखा था कि तू इस क्षेत्र में, तू इस क्षेत्र में, तू इस क्षेत्र में।
तो वहाँ क्या हुआ, एक अक्षेत्र में एक विवेकानंद नाम के महर्षि, रामानंद जी के शिष्य, महर्षि रामानंद जी द्वारा दिए ज्ञान को सुना रहे थे, प्रचार कर रहे थे। महर्षि रामानंद जी विष्णु जी के उपासक थे, विष्णु जी को अपना इष्ट मानते थे। सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय कालज्ञ सर्व, इसका कोई माता पिता नहीं, इनके ये सब के मालिक हैं। और राम कृष्ण जी आदि को भी वो भगवान मानते थे, शंकर जी की भी पूजा करते थे, लेकिन वो थे वैष्णो साधु, विष्णु जी को इष्ट मानते थे। और उसमें वो वेदों के ज्ञाता रूप में प्रख्यात थे, विख्यात थे, कि सभी कहते थे कि महर्षि रामानंद जी जैसे वेदों के ज्ञाता और गीता जी के ज्ञाता, पुराणों के ज्ञाता नहीं है कोई भी पृथ्वी पर वर्तमान में। वो रामानंद जी का शिष्य विवेकानंद ऋषि वहां अब श्रोताओं को सुना रहा था, भगवान विष्णु सर्वेश्वर हैं, मृत्युंजय हैं, मृत्युंजय माने जिसने मृत्यु पर विजय पा रखी हो कदे ना मरे, कालज्ञ जिसने अपने काल पर समय पर यानी विजय पा रखी है उसको भी अमर बोलते हैं कालज्ञ, ये अजन्मा हैं, इनके कोई माता पिता नहीं है, ये सर्व ब्रह्मांडों के रचनहार हैं, कुल के मालिक हैं। अब जैसा उन्होंने अड़ंगा सुन रखा था लोकवेद, वो बांटन लाग रहा था। अब परमात्मा ने उस दिन क्या किया कि माथे पर तिलक और लगा लिया जो वैष्णो साधु लगाते हैं, और जाकर बैठ गए, और वह गले में नीचे माला थिए। तो रामानंद जी के शिष्य ने जब प्रवचन कर लिए तब परमात्मा खड़े हुए 5 वर्ष की उम्र के बालक, और कहा स्वामी जी मुझे एक शंका है, कृपा मेरी शंका का समाधान कीजिए। तो विवेकानंद महर्षि बोले, बोलो बेटा बोलो बच्चा। हाँ पूछो क्या शंका है। कहने लगे जी आपने बताया कि भगवान विष्णु के कोई माता पिता नहीं, आप शिव प्राण उठाकर देखो, मैंने एक ब्राह्मण पढ़ रहा था, मैंने तो सुना था कि उसमें लिख रखा है रुद्र संहिता में कि सदाशिव अर्थात काल रूपी ब्रह्म से और दुर्गा अष्टंगी प्रकृति से विष्णु जी और ब्रह्मा जी और शिव जी का जन्म हुआ, ये इनके माता पिता है। परमात्मा ने बताया, उसने तुरंत खोल कर देखा और देख भी लिया कि हाँ ये तो लिखा तो ऐसे ही है, और कह लगा ओ झूठा ओ कपटी, इसमें कुछ ऐसा नहीं लिखा, तू कौन है, कहाँ से आया है, तूने तिलक कैसे लगाया है, क्या तूने कोई गुरु धारण किया है। तो परमात्मा कबीर जी तब बोले नहीं, तब वो श्रोता ही कहने लगे जी ये तो उस नीरू का लड़का है, दुल्हे का जो कहीं पड़ा वहाँ कमल तालाब में पाया था। अच्छा ये वो धानक है, ये शूद्र जाति वाला है, अरे तूने कोई गुरु बना रखा है क्या। परमात्मा बोले हाँ जी, कौन गुरु बनाया है, जो गुरु आपने बनाया है वही मैंने बनाया है। अब तो भाई उसका लग गए जैसे पैरों के नीचे अग्नि आ जाती है, वो सच्चाई से तो सच्चाई तो गया छोड़ दी, छोड़ के तू फंस गया और पीछे पड़ लिया। ओ श्रोता हो देखो भक्तो, ये कितना कपटी है, झूठा है, अपने गुरु जी को ब्राह्मण को पंडित को ये सुदर गुरु बताता है, हमारे गुरु जी तो इनके कपड़े भी निकट नहीं आने देते, इसको इनके दर्शन भी नहीं करते ऐसे लोगों के, है ना झूठा। अब परमात्मा ने दिखाया था बताया था, तो उस सर्वा विवेकानंद जी ने देखा कौन, शिव पुराण। अब देखिएगा शिव पुराण जिसमें विष्णु जी का जन्म दुर्गा और काल के संयोग पति पत्नी यानी व्यवहार से उत्पत्ति, इसी उन्हीं सदग्रंथों में जिनमें ये ब्राह्मण थूक बिलोया करते, इन कैखा का बिना बेरा था ऋषियों ने, मैं ऋषि बने फिर थे, हमारे भगवान ने 600 वर्ष पहले वैसे ही बता रखा था, क्योंकि वो परमेश्वर हैं, वो सृष्टि रचने वाले हैं। ये देखिएगा शिव पुराण संक्षिप्त शिव पुराण
संपादक हनुमान प्रसाद पोदार और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके पृष्ठ नंबर 98 पे पुण्यात्मा, ये दास चाहता है कि आपको इतना रंग दो इस ज्ञान में, आपके उंगलियां पर, बच्चे बच्चे के उंगलियों पर आ जावे कौन से में के लिखा, फिर तभी तो इस ज्ञान का विस्फोट होगा। वह तो देखेंगे निकाल के काल का बता दोगे पृष्ठ भी, वह नकली देखेंगे अरे ये तो सचमुच भाई ये तो सारा ठीक लिखा है, फिर उनको मानना पड़ेगा क्योंकि पहले तो हमने बैक आदे थे कि ऐसा नहीं लिखा है, अब वो ये नहीं कह सकते पुराण में ऐसा नहीं लिखा है, उनको मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा फिर आप पर विस्फोट हो जाएगा। वह ना मानेंगे, वह संत ना मानेंगे तो अनुयायी तो मानेंगे आख्या देख के जो पुण्यात्मा है। तो इसलिए दास चाहता है कि बार बार आपको प्रत्येक प्रमाण साथ दिखाऊं, क्योंकि ये हम सीडी साथ भर रहे हैं बच्चे, ये फिल्म बना रहे हैं और ये फिर आगे समाज में भेजनी है, इसलिए रह रह के दिखानी पड़ेगी। नहीं तो अब दास ने जो कहा है, कबीर जी ने कहा कि रुद्र संहिता के शिव पुराण में अध्याय नंबर 5, 6, 7, 9, 10 ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि ब्रह्मा विष्णु जी और ब्रह्मा जी और शंकर जी, दुर्गा और इस काल ज्योति नंदन ब्रह्म के संयोग से उत्पन्न हुई, ये इनके पुत्र हैं, दुर्गा इनकी माता है, ज्योति नंदन ब्रह्म इनका पिता है, तो इन्हों सोचेंगे ये गलत है, तो इसलिए इसके साथ ही रेफरेंस देना आवश्यक हो गया क्योंकि श्रोता बदलते रहते हैं। अब देखना ये है शिव संक्षिप्त शिव पुराण पृष्ठ नंबर 98 पे और ये है रुद्र संहिता, यहां देखिएगा प्रश्न अध्याय नंबर 5 में रुद्र संहिता में लिखा है कि अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पिता में ब्रह्मा वहां इस प्रकार बोले। अब यह पांचवा अध्याय था, यहां समाप्त हुआ। अब छठे में ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मन यानी ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद से कहा, ब्रह्मन देव शिरोमणि, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में लगे रहते हो, तुमने लोगों के हित की कामना से बहुत उत्तम बात पूछी है, जिसमें समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था, हम ज्यादा ना पढ़े इतना ही बहुत है, उसमें तत् सद्ब्रह्म इस श्रुति में जो सत सुना जाता है एकमात्र वही शेष था। अब आगे देखो, अब 102 ये 100 पर 99 पड़े, अब 100 पर देखो, ये 100 पृष्ठ पे जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान यानी सच्चा झूठा पूर्ण दुक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं, उसने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा की, उसके भीतर एक से अनेक होने के संकल्प विकल्प हुए उदित हुए, तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला से अपने लिए आकार की कल्पना की। ये निराकार मानते हैं और आकार हुआ तो के बन गया, वो सदाशिव बन गया, जो मूर्ति रहित परब्रह्म है, परम ब्रह्म है, परम उसकी मूर्ति भगवान सदाशिव है, यानी उसने सदाशिव का रूप, शिव का रूप धारण कर लिया, इसको सदाशिव कहने लगे, और अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हें को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छा अनुसार विहार करने वाले सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूत शक्ति की सृष्टि की, यानी अपने अंदर से एक लड़की औरत निकाली जो उसके अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी, उससे पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्व की जनित विकारित बताया गया, वह शक्ति अंबिका कही गई है, उसकी को प्रकृति सर्वेश्वरी और त्रिदेव जननी ब्रह्मा विष्णु महेश की माता नित्ता और मूल कारण भी कहते हैं, सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति के 8 भुजाएं हैं। एकाकिनी होने पर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है, नाना प्रकार के आभूषण उसके अंगों
उसके श्री अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। हो गया ना स्पष्ट? आठ भुजा हैं, शस्त्र धारण करती है, तीनों देवताओं की माता है, ब्रह्मा विष्णु महेश की, और प्रकृति भी कहते हैं। प्रकृति शब्द याद रखना, ये गीता जी में काम आएगा जब ये दास आपको गीता जी रूबरू करेगा। एकाकिनी होकर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है, जैसे सावित्री, लक्ष्मी और पार्वती भी वही बन गई थी। वे जो सदा शिव हैं उन्हें परम पुरुष ईश्वर शिव शंभु और महेश्वर कहते हैं। अब इस काल के विषय में बताया जा रहा है जो चौथा ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग है। वे अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति यानी दुर्गा के नाथनी साथ, दुर्गा के साथ, ये गलत प्रिंट है, शिवलोक नामक अक्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम काशी को, अक्षेत्र को काशी कहते हैं। वे जो प्रियतम यानी पति पत्नी शिव और शक्ति और शिव दुर्गा और ये काल जो परमानंद स्वरूप है, उस मनोरम अक्षेत्र में नित्य निवास करते हैं, काशी में। काशीपुरी परमानंद रूपिणी है मुने शिव और शिवा ने, दुर्गा काल और दुर्गा ने प्रलय काल में भी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से कभी मुक्त नहीं किया। आगे देखो, देवर से एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के दुर्गा और काल के मन में, क्योंकि यहाँ देखो इन्होंने उस सदा शिव जो बना उसको काल रूपी ब्रह्म कहा है, यहाँ लिखा ना, वो भगवान सदाशिव हो गए आकार माए, तो वो काल रूपी ब्रह्म का है, उन काल रूपी ब्रह्म ने एक समय, यहाँ देखो तो ऐसे ही देव ऋषि उस समय उस आनंद वन में वर्णन करते हुए शिवा और शिव ने यानी दुर्गा और काल ने के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, यानी कोई बालक पैदा करना चाहिए। ऐसा विचार करके शक्ति सहित दुर्गा के साथ सर्वव्यापी परमेश्वर सदाशिव ने अपने वाम भाग के दसवें अंग पर अमृत मल दिया। फिर तो वहाँ से एक बालक पुरुष प्रकट हुआ, एक लड़का उत्पन्न हुआ, यानी पति पत्नी व्यवहार किया। 102 पृष्ठ पे हम कंटिन्यूस पढ़ रहे हैं, ज़्यादा ना पढ़ेंगे। शिव ने कहा, उस काल ने कहा, वत्स व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ, तेरा विष्णु नाम रख दिया। और इसी प्रकार यहाँ ये अध्याय नंबर 6 है। अब 7 में ब्रह्मा जी कहते हैं देवर से, जैसे विष्णु दुर्गा से और काल के संयोग से उत्पन्न हुए, ऐसे ही तत्पश्चात मुझे भी कल्याणकारी परमेश्वर सांब सदाशिव ने पूर्ववत प्रयत्न करके मुझे भी अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। अब यहाँ अनुवादकर्ता विचल गया कि शिव से और शिव की उत्पत्ति कैसे देखो, उसने अनुवाद करना छोड़ दिया। लेकिन सच्चाई छुप नहीं सकती, चोर चुरावे तुम्बड़ी और वह गड्ढे पानी में वह गड्ढे वह ऊपर आवे ना, सच्चाई छानी ना। अब एक चोर ने एक तुम्बा चुरा लिया, सूखा तुम्बा, आपने देखा होगा एक घिया कैसा होता है, इतना बड़ा बन जाता है फल, वो सूखने के बाद उसका बीज निकाल देते हैं अंदर से और वो बिल्कुल खाली खोखा रह जाता है, जैसे एक संत उसका करमंडल साहिब बना लिया कर लोटा सा काट के उसको ऊपर तेन वैसा। तो कहते उस चोर उसने छुपाने के लिए पानी में दाबिका हुआ, तो पानी से वो पहले आ ले उस तो ऊपर चोर पाछा आवे। तो कहने का भाव यह है कि ये इन चोरों ने यानी अज्ञानियों ने सत्य को छुपाने की, दबाने की चेष्टा की, लेकिन यह छुपी नहीं, ऊपर आई, ये दबे या ऊपर पावे। अब देखो अध्याय नंबर 9 के रुद्र संहिता संक्षिप्त शिवपुराण 110 पृष्ठ पे ये अध्याय 9 के इस प्रकार कति एंड में अध्याय 9 के नीचे इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु रुद्र इन तीनों देवताओं में गुण है, पर तो शिव गुणातीत माने गए। यहाँ एक और शंका आ जाती है कि भाई रुद्र और होगा, महेश अलग है ना, ये कंसेप्ट भी क्लियर कर दिया इस पवित्र पुराण ने। एक बार ब्रह्मा विष्णु महेश की का युद्ध हुआ, जैसा कि सुबह बताया था,
और उनकी लड़ाई ख़त्म करके और उनको धमकाया शिव ने कि तुम भगवान नहीं हो, इस काल ने धमकाया। और फिर अपनी सतीथि बताई, ये देखिएगा, विद्वेश्वर संहिता पृष्ठ 25 पे, विद्वेश्वर संहिता है, रुद्र संहिता नहीं है, विद्वेश्वर। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभो सृष्टि आदि पांच कर्तों के लक्षण क्या हैं, यह हमें दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, यानी काल बोला, मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूँ। ब्रह्मा और अच्युत अर्थात विष्णु, सृष्टि और पालन, सहार त्रोभाव और अनुग्रह, ये पांच हैं। इन दोनों को समझा रहा है, इसलिए दोनों को एकदम नाम लिखा। ये पांच मेरे वो हैं, सृष्टि रूपी कर्त्य हैं, ये पांच ही मेरे जगत संबंधी कार्य हैं जो नित्य सिद्ध हैं। संसार की रचना का जो प्रारंभ है वो सर्ग कहा जाता है, आरंभ है उसको सर्ग कहते हैं, सृष्टि सर्ग या सृष्टि कहते हैं। यहाँ देखिए नीचे, पुत्रो, ये काल कहता, पुत्रो तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतीथि दो नामक दो कृत्य प्राप्त किए हैं। बेटो, अब काल बोल रहा है कि इन ब्रह्मा और विष्णु को कह रखा है, तुमने तपस्या करके मेरे में प्रसन्न हो गया तुम पर, और तुम्हारे को एक को सृष्टि एक को पालन दो विभाग दे दिए। विभाग देखो, रुद्र और महेश्वर और न्यारा है इस बोलनीय से, बोलने वाले से, यानी वो काल से अलग हैं। पुत्रों तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतीथि नामक दो कृत प्राप्त किए, ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर में दो अन्य उत्तम कर्तव्य। अब देखो, ये देखना हमने, सहार और त्रोभाव। अब ये यहाँ तो ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि और सतीथि के मालिक, रुद्र और महेश्वर ये दो और बता दिए इस काल ने, तो ये भी कंसेप्ट क्लियर हो गया। कि देखो, इन्होंने सोचा कि रुद्र कोई और होगा और महेश्वर, ये महेश्वर जिसको ये शिव है, और वो रुद्र जो है 12 रुद्रों के ऊपर अलग से शिव जैसा ही एक और है, तो ये सब को पांचों चारों क्लियर कर दिए और बोलने वाला ये अलग है। ये क्या कहता है कि इन सभी अवयव से एकीभूत होकर वह परमण ओम नामक एक अक्षर हो गया जो मेरा मंत्र है। मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया था, सबसे पहले ओंकार शब्द बोला था इसने, और ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है, वह मंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार ओम प्रकट हुआ जो मेरे स्वरूप का बोध देने वाला है। ओंकार वाचक है, मैं वाच्य हूँ, यह मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। तीसरे सद है, ये शिव जी का मंत्र नहीं है, ये तो काल का मंत्र है, ओम ब्रह्म का मंत्र है। और ये चार हो गए। अब रामानंद के शिष्य, उस विवेकानंद की सिट्टी पिट्टी गुम होगी और परमात्मा के पीछे पड़ गया सच्चाई छुपाने के लिए। देखो रे, ये कपटी है, ये झूठा है, ये जुलाहे का पुत्र है, हमारे गुरुजी को बदनाम करता है। देखना, कल सुबह जाऊंगा और गुरुजी को ये सच बताऊंगा और फिर इसकी पिटाई होगी। तुम सभी आना। अब वो बोली श्रद्धालु, तो वही गुरु जी के ऊपर आरूढ़ थे, उन्हें तक गुरु जी दिखे थे, भगवान दिखाई ना दे थे, क्योंकि मोतिया बंद कर रखा है इन अज्ञानी संतों ने, सब प्यारी आत्माओं का मोतिया बंद कर रखा है ज्ञान का। अब उसने जाकर के स्वामी रामानंद जी से, महर्षि रामानंद जी से कहा, गुरु जी हमारा तो घर से निकलना दूभर हो गया। रामानंद जी कहने लगे, क्या बात होगी वत्स? विवेकानंद जी ने कहा कि स्वामी जी, ऐसे ऐसे एक दुलाहे का सुदर जाति का लड़का, 5 वर्ष का बालक आपको अपना गुरु बताता है। हे प्रभु, हे मालिक, हमारी तो नाक काट दी। इस भरी सभा में उसने कहा, हजारों व्यक्ति में सैकड़ों व्यक्ति विद्वान थे, उपस्थित थे, और कल हम कैसे मुंह दिखाएंगे संसार में? पहले छुआछात बहुत ज्यादा थी और ब्राह्मण वर्ग सबसे उत्तम माना जाता था, ब्राह्मण वर्ग
और ये शूद्र अन्य जाति वालों को पढ़ने और शिक्षा ग्रहण करने का, संस्कृत पढ़ने का अधिकार नहीं था, केवल ब्राह्मण ही पढ़ सकता था। तो उसने क्या किया, रामानंद जी कहने लगे कल ला उसको पकड़ के और बुला ले उन सभी को जिनके सामने उसने मेरे को अपमानित किया है। अब रात ने नींद भी ना, उस विवेकानंद जी ने तो 5-10 मस्टंडे साथ लिए और पहुंच गए वहां पर जुलाहों की कॉलोनी में, दानका की कॉलोनी में, और वहां कहने लगे वो कबीर कहाँ रहता है, वो नीरू कहाँ रहता है, वो पूछ ही रहे थे। एक बहन ने सोचा आज तो ये ब्राह्मण कति कोई उपद्रव करन आ रहे हैं, हाथ में लठ ले रहे और नीरू जी को पूछ रहे हैं, तो वो दूसरी साइड से सोरठ कट निकल गए और आके बताने लगी कि आज आपके ऊपर कोई आपत्ति आने वाली है। नीरू को, नीमा को कहने लगी, वो बोली क्या बात है कि आपके घर का की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और ब्राह्मण हैं 10-8-7-9-10 और लठ ले रहे हैं और आपका घर पूछ रहे हैं, उनकी नीयत ठीक नहीं लगती मुझे, क्रोधित है। अब नीमा जानगी कि यो कबीर जी किसी न छेड़काया है ब्राह्मणा ने, ब्राह्मणों को, क्योंकि परमात्मा रोजाना किसी न किसी का जो है ना डंडी ला का आया करता, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम सच्चाई नहीं कह रहे हो, तुम दुनिया को भ्रमित करते हो। अब रोज उलाने आया करते दूसरा तीसरा दिन कि अपने बच्चे को मना कर लो, हमारे सत्संग में आकर ये बाधा डालता है। अब माँ उसने धमकाती भी थी, खुरकावे भी थी, कह देता ठीक है माई फिर नहीं जाऊंगा मैं। अब उसने देख लिया, माई को समझ में आ गई कि आज फिर यो किसी का जरूर पत्थर कंकर मार का रहा है, छेड़छाड़ करके आया है किसी को। तो माई ने अपने बालक को वहां झोंपड़ी से उठाया, सुबह सुबह की बात, बखत से पहुंच गए, उधर सूर्योदय भी ना होया था, उठा के उस बालक को झोंपड़ी के पीछे ले गई दूर पिछड़ी साइड में और वहाँ लेटा के बोला, बोली बेटा उठिए मत, ऊपर और ये फटे पुराने कपड़े कोई गद्दे वगैरह डाल दिए, और तू बोलिए ना बेटा मैं आपने मट लूँगी, उन्हें कमे आने लग रहे हैं। तो जब वो माई उस परमात्मा को छुपा छुपो कर आई, इतने में वो सामने आ लिए मस्टंडे लठ ले रहे, कहते कहाँ है वो तेरा लड़का, कहाँ है वो तेरा कबीर, निकाल उसको बाहर। माई हाथ जोड़ के कहती है मेरे बेटे ने क्या गड़बड़ कर दी, मैं धमका दूंगी, मैं उसको पीटूंगी, आज के बाद कोई गलती नहीं करेगा। नहीं, आज उसकी साथ सहमत आएगी, उसकी बहुत पिटाई होगी। माई पूछ रही है और बता नहीं रही है, तो वो अंदर घुस गए झोंपड़ी में और पकड़ पकड़ कर, वो ब्राह्मण तो बाहर रह गया और मुस्टंडे ले रहा था, उन पकड़ पकड़ कर वो चारपाई उथल पुथल कर कपड़े ठाठा दो फेंक, देख कहाँ है, उदमस्तार दिया। और माई रो रही है, नीरू रो रहा खड़ा खड़ा, क्या बात होगी, ऐसा क्यों करते हो। तो परमात्मा ने सोची ये माता पिता ने पीट ना दें, अक बता कहाँ है, झगड़ा ना कर दें, तो हटा के वो कपड़े बाहर खड़ा हो गया वहाँ पीछे और कहने लगा ओ विवेकानंद आज मैं यहाँ खड़ा हूँ झोंपड़ी के पीछे, मैं तो यहाँ खड़ा हूँ। अब वो जो सुनते सारे भाग गला बढ़दा और पकड़ दिया परमात्मा को बाजू से, लेके चलने लगे तो नीमा चिपट गई उस अपने बेटे के, जो मेरे बच्चे को मत मारो ना ले जाओ। अब उसको डंडे मार लात मार सुमाई का और बेहोश करके वहाँ गिर दी। कसाई हो नीरू चला बच्चे को पकड़ने के लिए, नीरू के भी मारे काफ़ी सिर फोड़ दिया, काफ़ी रक्त निकला, नक्त सर्वाहा गली में पड़ा है और परमात्मा को घसीट कर ले जा रहे। आसपास के व्यक्तियों ने आकर उन दोनों को अंदर डाला कुटिया में, उनको पानी पूनी मुंह पर डाला, छींटे मारे, कुछ देर के बाद वो होश आए तो बुरी तरह रो रहे थे। उधर से परमेश्वर को ले जाकर के रामानंद जी के सामने खड़ा कर दिया। रामानंद जी ने अपना ड्रामा पूरा कर रखा था कि वो ब्राह्मण था,
और ब्राह्मणियों दिखाने के लिए कि मैंने इसको नाम नहीं दिया, ये मुझे बदनाम करना चाहता था अपनी इज्जत बचाने के लिए। अपनी झोंपड़ी के सामने कपड़े से पर्दा लगा लिया, झोंपड़ी में विराजमान हो गए अपने आसन पर और कबीर जी सामने खड़ा कर दिए। तब रामानंद जी ने पूछा कि तू अपने आप को खुदा कहता है, क्योंकि उन्होंने बताया ना कि परमात्मा ने वहाँ काफ़ी वार्ता की थी विवेकानंद से कि मैं वही परमात्मा हूँ, मैं पूर्ण ब्रह्म हूँ, इसलिए मैंने साधनों का ज्ञान है और तुम्हें बता रहा हूँ, तुम देख लो। तो रामानंद जी कह रहा था तू अपने आप को भगवान कहता है और कौन है तेरा, कौन सा तेरा पंथ है, कहाँ से तू आया है, तेरी के जाति है, इस तरह विवाद करने लगा। परमात्मा ने कहा कि जात हमारी जगत गुरु परमेश्वर है पंथ और दास करीब लिखित पड़े मेरा नाम निरंजन कंथ। परमात्मा ने कहा स्वामी जी यदि मेरा नाम पूछते हो तो मैं वो निरंजन कंथ हूँ। निरंजन कंथ माने पति, स्वामी, मालिक। निरंजन माने जिसका वो माया रहित, निरंजन का अर्थ होता है माया रहित, यानी निर्लेप, सब विकारों से रहित, और कंत माने स्वामी, मैं वो हूँ। यानी ये निरंजन अर्थ वैसे परमात्मा के लिए है निरंजन शब्द, लेकिन ये ज्योति निरंजन भी अपने आप को भगवान कहता है, लेकिन ये ज्योति निरंजन है। हम सोरठ कर कहीं पर इसको निरंजन भी बोल देते हैं, जैसे ब्रह्म ब्रह्म वैसे परमात्मा को कहते हैं, लेकिन इस ब्रह्म को डिफीट करने के लिए, इससे भिन्नता करने के लिए तो पूर्ण ब्रह्म शब्द प्रयोग करना पड़ा उस परमेश्वर को की पहचान के लिए। ऐसे तो क्या बताते हैं कबीर जी, एक आत्मा और परमात्मा की, आत्मा और परमात्मा का आपस में संवाद होता है। तो कैसे बताते हैं, कैसे वार्ता करते हैं। परमात्मा चाहवा थे इसे कि मैं ऋषि की जो ना फड़क काट दूँ किसी प्रकार, यू मेरे तो टकरावे कोई भी कारण बनाई, एक भाई यू आ जा मेरे पंजे तले, इसने सीधा कर दूंगा। क्योंकि परमात्मा कबीर जी प्रत्येक युग में आए हैं और ये रामानंद जी वाली आत्मा सतयुग में विद्याधर नाम का ब्राह्मण था, और जो कमाली वाली आत्मा थी वो उसकी पत्नी दीपिका थी, और यही रामानंद वाली आत्मा त्रेता युग में वेदविद नाम का ऋषि हुआ और दीपिका वाली आत्मा इसकी पत्नी हुई। तो इन दोनों युगों में भी परमात्मा, ये दोनों निसंतान थे, परमात्मा ऐसे ही बालक रूप धारण करके इन दोनों ही युगों में इन्हीं को प्राप्त हुए थे। तो उनकी वह सेवा परमात्मा ने देनी थी, इनका उद्धार करना था। ऐसे इसलिए परमात्मा उनके पीछे लगे हुए थे कि किसी प्रकार इस आत्मा का उद्धार बने। तो क्या वार्ता होती है परमात्मा और आत्मा की। अब रामानंद जी अंदर पर्दे से के अंदर से बोल रहे हैं और परमेश्वर की वाणी है, जो जन हमारी शरण है ताका हूँ मैं दास, और गेल गेल ला गया फिर जब लग धरती आकाश। तो उसी तरह परमात्मा की शरण में ये रामानंद जी वाली आत्मा सतयुग से ही चल रही थी, लेकिन ये सतयुग त्रेता द्वापर में ये जीव अपने पुण्यों से घना सुखी होता है, इसलिए ये उस समय कम सुनता है। और कलयुग माए पाछ इनकी सारी सिद्धि खत्म हो जाए, इनके पास खख नहीं रहता, बात बात रह जाती है, फिर ये पकड़े जाते हैं परमात्मा अपने बच्चों को, फिर अपनी शरण में ले लेते हैं। रामानंद अधिकार सोने जुल्हा अक जगदीसे, आपने कबीर साहब के कबीर सागर में सुना के संवत 1775 होई, यानी उसको ऐसे 74 है, ये मिसप्रिंट है, और तादिन प्रेम प्रगटे मम सोई। 1774 में मेरी वाणी और मेरे प्रति एक विशेष लगाव पैदा करने वाला
एक हंस उत्पन्न होगा मेरी आत्मा, और वो उसके द्वारा मेरी महिमा की वाणी प्रकट होंगी यथार्थ रूप में। वो फिर मेरी कृपा से मैं उनको अपनी चेतना दूंगा, अपनी शक्ति से उसके अंदर तत्व ज्ञान फीड करूंगा गरीबदास जी में, फिर वो मेरी महिमा की वाणी प्रकट करेगा। ऐसी निर्मल वाणी या तो कबीर जी की है या फिर गरीबदास जी की, कति क्लियर स्पष्ट के ये कबीर भगवान है, और ये वही है जो बनारस में जुल्हा आया था और उसने क्या क्या वार्ता हुई। तो वो वाणी प्रकट हुई, गरीबदास जी अपने कबीर भगवान की महिमा बताता हुआ एक मीडिया रूप में बोल रहे हैं। रामानंद अधिकार सोने जुल्हा अक जगदीश, दास गरीब विलंब ना ताहे नवावत शीश। रामानंद को गुरु कहे वो तो तन से नहीं मिलात, गरीब दास दर्शन भये हे पैड़े लगी जो लात। पंथ चलत ठोकर लगी राम नाम कै दीन, दास गरीब कसर नहीं वहां सीख ली परवीन। आडा पड़दा लाए कर रामानंद बूजंत, दास गरीब कुरंग छरी छवि अधर धाक अधर डाक टोकू दंत। जब रामानंद जी ने पर्दा लाकर अंदर बैठ के अपने कुटिया में बाहर खड़े परमेश्वर 5 वर्ष की आयु में, और निरे श्रोता बार देखने वाले आगे तमाशबीन, तब रामानंद जी अपने कुटिया के अंदर इतना क्रोधित हो रहे हैं, अंदर अंदर ऐसे कूद रहे हैं जैसे मर्ग कूदा करे गुस्से में आकर के, तू कैसे मुझे गुरु बताता है हैं? और तूने तेरी कौन जात है, तेरा नाम क्या है, हैं? क्या बोले, कौन जात कुल पंथ है कौन तुम्हारा नाम। दास गरीब आधीन गति फिर बोलत है बलि जाऊं मैं। गरीबदास जी कहे मैं अपने परमात्मा पर बलिहारी हूँ, क्योंकि अब गुरु जी के सामने कितनी विनम्रता चाहिए एक शिष्य को, सुयोग्य शिष्य को, वो भूमिका भी कर रहे हैं। रामानंद जी ऊट पटांग गाली दे रहा है, तो कुजात है तेरा, कोई माँ बाप का बेरा नहीं, तू तो दूल्हे का घर पड़े और भगवान कहे आपको अपने आप को, क्योंकि वह निराकार मानते हैं भगवान को। सबकी थ्योरी उल्टी फिट है, सबका दिमाग उल्टा घूम रहा है, और आकार में भगवान बताता है, कहते तू अपने आप को प्रभु कहता है। परमेश्वर क्या बोले, जात हमारी जगत गुरु और परमेश्वर है पंथ। दास गरीब लिखित पढ़े मेरा नाम निरंजन कंत, यदि मेरी जाति पूछता है तो मैं जगत का गुरु हूं, पूरे विश्व को सत्य ज्ञान मैं ही देता हूं। और मेरा कौन सा पंथ है, मेरा परमेश्वर पंथ है, ओह पूर्ण ब्रह्म परमक्षर ब्रह्म वाला मैं मार्गदर्शन करता हूं। परमेश्वर एक तो ईश, ईश तो ये ब्रह्म है, किस ब्रह्मंड का मालिक, ईश्वर है ये परब्रह्म सात संख ब्रह्मंड का स्वामी, और परमेश्वर वो असंख ब्रह्मंड का मालिक। कहते उस पूर्ण परमात्मा के पाने के मार्ग को मैं प्रशस्त कर रहा हूं, मेरा परमेश्वर पंथ है। अब रामानंद जी और नाराज हो गए, देख बालक अपने आप को मेरे सामने कहे मैं भगवान हूँ, और गरीबदास लिखित पढ़े वेदों में मेरे को निरंजन कंठ अमर परमात्मा पूर्ण ब्रह्म लिखते हैं, यानी इसका स्कोड वर्ड बहुत लंबे चौड़े विस्तार बनता है, निरंजन कंठ के अर्थ बनते हैं, और लिखने में मैं ऐसे ऐसे वहाँ लिखा हुआ, ये मेरी महिमा है। रामानंद जी बोला रे बालक सुन दुर्बुद्धि, तेरा घटमट तन आकार और दास गरीब दर्द लगा जब हो बोले सृजनहार। अब भगवान ने परमात्मा ने अपने आप को परमात्मा कह दिया, तो उल्टी बुद्धि फिट हुआ वो महर्षि रामानंद जी ने को बड़ा दुख हुआ कि ये छोटा सा बालक और साकार नजर आता है, इसका तन भी है शरीर भी है, और तू अपने आप को भगवान कहता है। तुम मोमन के पालवा तेरा जुल्हे कै घरबास, गरीब दास अज्ञान गति इतना दृढ़ विश्वास कि तू मोमन के यानी एक मुसलमान के टुकड़ा पर पड़ने वाला, तेरा दानक यानी शूद्र जाति में तेरा वास है और तू अपने आप को भगवान कहता है। क्या कहते हैं, तरक तलु से बोलते
तर्क तलु से बोलता रामानंद सुरज्ञान, गरीब दास कुजात है आखिर नीच निदान है। इन्हों कहे छोटी जाति का ना कुजात है, तेरी माँ का बेराना, तेरे बाप का बेराना, तेरी जात का बेराना, तू तो पढ़ा पाया था। यानी इतनी घटिया शब्दों का प्रयोग उस महर्षि ने कर दिया भगवान के प्रति। अब परमात्मा तो परमात्मा ही थे। ये लाल ने कोई बालक न्यू कहे ये तो कंचा है, ये तो वैसे पत्थर है। अरे जोरी के काली मानने का अच्छा भाई पत्थर होगा अपने गोज में गाल के चल पड़ेगा। अब परमात्मा ने कोई कुछ भी कहो वो तो मालिक थे ही थे, वो ना पहचान रहे थे, वो उनकी अपनी बुद्धि थी भूल थी। क्या बोले भगवान, मैं के बदन खुला से कह रहे सुन पर सुन स्वामी पर भी ही नहीं, दास गरीब मनी मरे है मैं आज आजज आधीन। जब गाली गुड़ी दी ना कति आखिरी शब्द भी कह दिए कुजाते, कहते खुश हो के हक बालक से बांटने दे कहीं जागा कि क्या फर्क पड़े। खुश हो के कहते हैं कि मह के बदन खुलास कर कति खुश हो के जो कर बालक ऐसा करे। और सुन स्वामी परवीन, और मैंने तो अपने मन मान अभिमान को खत्म कर रखा है, मैं तो आपका बच्चा हूँ क्योंकि आप मेरे गुरुजी हो और मैं आपका बच्चा हूँ। गुरुजी डंडे मारो, डांट मारो, लठ मारो, कुछ भी कहो, लेकिन गुरुजी कोई गलत थोड़े ही बोलते हैं अपने बच्चों को, वह उसके हित में ही कुछ डांटते हैं। लेकिन सुन ले मैं क्या हूँ, मैं अवगत गत से परे तेरे चार वेद से दूरे, गरीब दास दसों दिशा मैं सकल सिंध भरपूर। यानी पूर्ण ब्रह्मांड के अंदर मेरी सत्ता व्यापक है, मेरी प्रभुता है, और जिन वेदों को तू पढ़ता है उसके उन वेदों में मेरे पाने की विधि नहीं है, इसलिए तेरे वेदों के ज्ञान से मैं दूर हूँ। लेकिन वेद हमारा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जिस वेद से मैं मिलूँ इतने वेद जानते नहीं। फिर क्या बोलते हैं, सकल सिंध भरपूर हूँ खाल के हमारा नाम, गरीब दास अजात हूँ तैं जो कहा बलि जाऊँ मैं। पुण्यात्मा आप हमें हमने इतना दीनता चाहिए अपने गुरु और शिष्य के नाते में। रामानंद जी तो डांट मार रहे हैं और परमात्मा कहे हैं जात पात मैं सब जगह व्यापक हूँ और पूर्ण खालिक स्वामी सबका सृजनहार मैं हूँ, पर आपने मुझे जिस भी संज्ञा से संबोधित कर दिया, जो भी विशेषण मुझे दिया है कुजात का नीच का, मैं आपके ऊपर बलिहारी हूँ क्योंकि आप मेरे गुरुदेव हैं। फिर क्या बताते हैं, जात पात मेरे नहीं और नहीं बस्ती नहीं गांव, जात पात मेरे नहीं और यहाँ का कोई मेरा बस्ती गांव नहीं, मेरा ठिकाना तो कोई और है। गरीब दास अनंत गति नहीं हमारे चाम, ये तेरे जैसा शरीर मेरा नहीं है, चाम वाला नहीं है। नाद बिंद मेरे नहीं, नहीं गूद नहीं गात, गरीब दास शब्द सजा नहीं किसी का साथ। ए स्वामी सृष्टा में और सृष्टि हमारे तीर, दास गरीब अधर बसू में अवगत सत्य कबीरी।